वालेकुम। आज हम सफारी का कटिंग बताने जा रहे हैं। ये देखिए हमारा साड़ी 29 इंच लेंथ है, 43 इंच चेस्ट है, 42 इंच बेस्ट है, हिप भी 42 इंच है, साड़ी 18 इंच कंधे है और 10 इंच आस्तीन का लेंथ है और 15 इंच मोड़ी है, 17 इंच कॉलर है। कम चेस्ट के पास है 7 इंच लूजिंग डालेंगे, बेस्ट के पास 6 इंच लूजिंग डालेंगे, हिप के पास 6 इंच लूजिंग डालेंगे, क्योंकि बड़े आदमी का है, थोड़ा मोटे आदमी का है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मैंने 2 पल्ला कपड़ा ये बिछा लिया हूँ डबल करके, अब इसको सीधा एक मार्क लगाएंगे। अब थोड़ा क्रॉस मार्क लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे कि किनारे से यहाँ तक 2.5 इंच। अभी मार्क को हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले लेंथ का नाप, लेंथ नापेंगे इसका। 29 इंच लेंथ है, 29 इंच और 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन, 2.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ पे 9 इंच मार्क लगाएंगे ऊपर से। बेस्ट के लिए 17 इंच मार्क लगाएंगे, सीधा मार्क इसके ऐसे लगा लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, 18.5 इंच कंधे है, 18.5 का 9.25 आ रही है उसका, और 1/2 इंच मार्जिन डालेंगे। ये है 43 इंच चेस्ट, इसमें 7 इंच लूजिंग लगाए 50 इंच हो जाती है, तो उसका चौथा हिस्सा आ रहा है 12.5 इंच। 12.5 पे मार्क लगा लिए और यहाँ पे एक इंच फालतू बढ़ाएंगे हम। यहाँ पे 1 इंच जो बढ़ाएंगे वो बैक में 1 इंच घटाएंगे। 42 में 6 इंच लूजिंग डालिए तो 48 होती है, 48 का चौथा हिस्सा 12 इंच आती है, 1 इंच यहाँ पे लूजिंग डालेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने लूजिंग ले ही के कटिंग कर रहा हूँ। नीचे भी 42 है तो यहाँ पे भी 48 रहेगी, 48 एक इंच बढ़ा लेंगे हम। सीधा एक मार्क लगाएंगे क्योंकि इनका पेट निकला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम सीधा देंगे, सेब नहीं दे सकते यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक सीधा रहेगा और यहाँ हल्का सेप रहेगा। ये मार्क से ए मार्क ऐसे सीधा स्टेल से मार्क लगा लेंगे।
सबसे पहले हम इसको सीधा मार्क लगाएंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये मोटा आदमी है, इसको ज़्यादा अंदर नहीं लेंगे। यहाँ पे मुश्किल से आधा इंच लिया हूँ मैं, आधा इंच क्रॉस कर लिया हूँ। अब इसको आर्म होल को मार्क लगा के गोल घुमा देंगे। यहाँ पे थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड आएगी कपड़ा, जो हम यहाँ पे बड़ा ऐसा पट्टी मारेंगे, 2 इंच का पट्टी मारेंगे तो ऐसा फोल्ड आएगी कपड़ा, तो आधा इंच कपड़ा फोल्ड आएगी। तो हम आधा इंच इधर से ज़्यादा कटिंग करेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा के कटिंग करूँगा। अब एक मार्क लगा लेते हैं हम यहाँ पे 2 इंच का पट्टी के लिए। ये पट्टी आ जाएगी, ये फोल्ड अंदर हो जाएगी, तो ये फोल्ड ऐसे हो जाएगी, ये पट्टी आ जाएगी। ये पैकेट हो गए। यहाँ सीधा रहेगी, ये साइड में गोल रहेगी। ये हम फ्रंट का बिल्कुल सही मार्क लगा लिए। अब हम इसको कटिंग कर, सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। पहले हम इसका लेंथ देख लेते हैं, 29 इंच लेंथ है और इसमें 1.5 इंच फालतू देंगे जो इसमें ऊपर पलटी गई। अब यहाँ से हम 17 इंच, ऐसे भी बैठा के मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच मार्जिन देंगे, ये 1.25 इंच देंगे। यहाँ पे देंगे हम 1.25 इंच। अब हम इसको मार्क ले लेंगे।
यहाँ से हम 3 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। अब हम इसको गोलाई कर लेंगे। चेस्ट के पास 50 इंची लूजिंग लेके है, तो हम 50 का चौथा हिस्सा आ रही है 12.5 इंच, इस 12.5 इंच अब 1 इंच इसमें कम करेंगे और यहाँ पे 48 इंच आ रही है लूजिंग लेके, तो 48 का चौथा हिस्सा 12 इंच आ रही है, 1 इंच कम करेंगे इसमें। यहाँ पे भी 48 इंच है, चौथा हिस्सा 12 इंच, 1 इंच कम करेंगे। हमने जो 1 इंच कम किया है ये मार्जिंग में काम आ जाएगी। और शोल्डर है, सारे 18 इंच, आधा इंच मार्जिंग लगाएंगे इसमें। यहाँ पे 7.5 इंच चाक पट्टी रहेगी, यहाँ पे पीछे चाक रहती है, किसी किसी में साइड में चाक रहती है, साइड में अगर चाक रहे तो मुश्किल से आप 4.5 दे सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकती है इसमें। पहले हम फ्रंट पल्ला को बैठा के देखेंगे। ये आर्मोल का जो कंधी है यहाँ से हम 3 इंच का मार्जिंग डालेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम मार्क लगा लेंगे सीधा। एक सीधा ऐसे मार्क लगाएंगे। हम इसको थोड़ा गोलाई करेंगे। अब इसको हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे।
मैं इसको बना के भी आपको दिखाऊंगा, और मेरे चैनल पे तमाम वीडियो है जो सिलाई में काम आती है, सूट का कटिंग और ब्लाउज की कटिंग और ब्लाउज के सीने का तरीका और कोट सीने का तरीका, मैंने सब वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आस्तीन का लेंथ है 10 इंच, 15 इंच मोड़ी है इसका। अब यहाँ से 3.5 इंच सारी 18 इंच आर्मोल है। पहले हम इसको मार के लगा लेंगे। हमने ये जो मार्क लगाए हैं, अब ये सामना जो हाला है, हम इसके हिसाब से हम इसको कट करेंगे। तो फिलहाल में हम यहाँ से इसको हल्का हल्का राउंड करेंगे। क्योंकि फ्रंट में गोलाई ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा गोलाई देके यहाँ पे सेप दिया, और यहाँ पे थोड़ा रिंकल आ गया आस्तीन चढ़ाते समय। अब बैक हो गया, फ्रंट हो गया, आप शोल्डर काटना है। इसी को बैठा के शोल्डर कट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा नीचे सेप देंगे। इसको हम कटिंग कर लेंगे।
ऐसा शोल्डर आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कैसी लगी ये वीडियो।